हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम राउरकेला का एक स्पेशल प्लेस आपको दिखाने वाले हैं। तो वो जो स्पेशल प्लेस का नाम है, अभी बता दूं या फिर वीडियो के एंड में बताऊं? तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी बैठा हूं पिपलानी में, जो कि है एसटीआई में। नया प्लेस नहीं है ये, आई थिंक राउरकेला का एक ओल्ड प्लेस है, बहुत दिनों से चल रहा है। आज के इस वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये है कि आज का ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा कुछ स्पेशल फेवरेट आइटम है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने बोला, मैं हूँ पिपलानी में, तो आप देख सकते हैं ये है पिपलानी का मेन्यू कार्ड। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको कौन सा आइटम ट्राई करना चाहिए। आइटम तो सभी बेस्ट है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा और टेस्टी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। सो गैस, अगर मेनू का बात करें तो मेनू आप देख सकते हैं, चाट में बहुत सारा चाट का आइटम है। और प्राइस अगर स्टार्टिंग का बात करें तो 30 रुपीज़ है, जो कि बहुत अच्छा और अच्छा और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। और एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं पाव भाजी, एक्स्ट्रा पाव लेना है तो आपको 25 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा भाजी लेने के लिए 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि मिनिमल है, कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो स्नैक्स का आइटम देख सकते हैं, मैगी है, सैंडविच मिल जाएगा। तो इधर आप पास्ता देख सकते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, और बेवरेजेस में बहुत सारा आइटम है, ग्रीन एप्पल, लस्सी स्मॉल, और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है ओरियो सेक, जो कि 150 रुपीज़ ओनली है। आप अगर और कोई रेस्टोरेंट में ट्राई करेंगे इसको तो आपको 250 से 300 रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत चीप है आप देख सकते हैं। और ये जो स्नैक्स का आइटम मैं आपको बता रहा था दोस्तों, समोसा, यहाँ पर समोसा का प्राइस आप देख सकते हैं ओनली 20 रुपीज़ में है समोसा, कश्मीरी समोसा, कटलेट, प्लेन ढोकला। सो ये रहा गाइज इनका आइसक्रीम, आप देख सकते हैं आइसक्रीम में बहुत सारा फ्लेवर आपको मिल जाएगा। और प्राइस भी स्टार्टिंग है 60 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ से स्टार्ट है, 150 रुपीज़ तक आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन बहुत सारा आइटम मेरा फेवरेट है, कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको ऑर्डर करके दिखाऊंगा और फिर टेस्ट करके बताऊंगा उसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। कौन सा डोसा है? धनिया डोसा। वाह, ये रहा इनका धनिया डोसा। ये एक यूनिक आइटम है जो कि आपको ट्राई करना चाहिए, इसीलिए कुछ सिलेक्टेड आइटम ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा पहला आइटम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, धनिया और मसाला से भरपूर डोसा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, 2 जन इसको आराम से खा सकते हैं। तो साथ में है एक रेड चटनी, सांभर और ये व्हाइट चटनी इनका। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं इसको टेस्ट करूँगा। ये क्या है भैया? दही समोसा, हमारा सेकंड आइटम। ये देख सकते हैं दही और समोसा, ऊपर से बहुत ही अच्छा से डेकोरेट किया गया है। सो ये मेरा है सेकंड फेवरेट आइटम। ये हमारा थर्ड आइटम, ये क्या है? कश्मीरी समोसा, जो कि मेरा दूसरा फेवरेट आइटम है। और कुछ आइटम बाकी है, सबको आ जाने दीजिए। सो गाइज, हमारा कुछ आइटम अभी आ गया है, एक दो आइटम अभी बाकी रहेगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ पहले क्या क्या आया है मेरे पास। मैं आपको जैसे दिखा रहा था, ये रहा हमारा पहले हमारा धनिया मसाला डोसा, जो कि एक बहुत यूनिक आइटम है। ये रहा हमारा दही समोसा, एक ही एक बहुत अच्छा आइटम है। और ये रहा हमारा कश्मीरी समोसा। तो दोस्तों, ये सब आइटम मैं आपको दिखाने का एक ही रीज़न है, ये जो आइटम है बहुत कम आपको बाहर दिखने मिलेगा, क्योंकि राउरकेला में, मैं अगर पर्टिकुलरली राउरकेला का बात करूँ, पिपलानी में ये आइटम आपको रोज़ देखने मिल जाएगा। तो आपको अगर ये सब आइटम का लुत्फ उठाना है तो पिपलानी आपके लिए बहुत अच्छा जगह है। तो प्राइस का अगर बात करें तो प्राइस एक अच्छा और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, प्राइस का टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो के एंड में इसका प्राइस का डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं हमारा कश्मीरी समोसा को। तो ये सबको अभी साइड में रखते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये रहा इनका कश्मीरी समोसा। तो आप देखिए इसका शेप आप देख सकते हैं, ट्राइंगल शेप का है और अंदर स्टॉपिंग वगैरह है। तो आप ऊपर से देख सकते हैं नारियल और कुछ धनिया पत्ता ऊपर से है। देख सकते हैं एक रेड चटनी मिलेगा आपको और ये एक ग्रीन चटनी, शायद पुदीना और धनिया की चटनी हो सकता है। सो गाइस, इसका अगर स्टॉपिंग का बात करें तो मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। इसका स्टॉपिंग थोड़ा अलग ही मिलेगा नॉर्मल समोसा से। तो ये देखिए बहुत अच्छा और डिलीशियस स्टॉपिंग इसका अंदर है। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह है और
बहुत सारा आइटम आपको मिल जाएगा। टेस्ट करते हैं हमारा कश्मीर समोसा को, तो कश्मीर समोसा का थोड़ा सा बाइट लेंगे अभी। तो ये रहा थोड़ा सा रेड चटनी, इसके साथ ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चटनी और इसको टेस्ट करेंगे अभी। इसका टेस्ट एज यूजुअल बहुत ही अच्छा है। इसका जो फ्लेवर वगैरह है, सौम का थोड़ा फ्लेवर आएगा, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है और इसका मसाला जैसे कि मैं बात कर रहा था थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको खाली मसाला को अगर ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छा। तो चटनी चटपटा है, कश्मीरी समोसे के साथ चटनी बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इनका दूसरी जो चटनी है तो बहुत ही टेस्टी है और फ्लेवर से भरपूर होता है। आपको मार्केट का चटनी से थोड़ा अच्छा ही चटनी लगेगा इनका, तो इसको अभी रखते हैं साइड में। अभी बारी है हमारा दही समोसा का। तो आप देख सकते हैं दही और समोसा का जो कॉम्बिनेशन है बहुत कम ही देखने मिलता है बाहर, लेकिन कई कई जगह पर दही समोसा भी अवेलेबल हो जाता है। तो इस पर का टॉपिंग आप देख सकते हो, ऊपर में सेव और ये बीट्स, कुछ अनार के दाने और बहुत सारा आइटम अभी ऊपर मसाला वगैरह है। तो दही आप देख सकते हैं, दही थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और दही का थिकनेस आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बाइट इसका टेस्ट करते हैं अभी। गरम गरम समोसा, उसके साथ खट्टी मीठी दही और ऊपर से मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट है। आपको ये भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। Awesome. ये समोसा का टेस्ट तो हमने कर लिया दोस्तों, तो अभी इसको रखते हैं साइड में। तो अभी बारी है हमारा सबसे फेवरेट धनिया मसाला डोसा को, तो सबको साइड में रखते हैं। ये रहा गाइज हमारा धनिया मसाला डोसा। तो आप अंदर का टॉपिंग देखिए, सबसे मेन चीज़ है इसका टॉपिंग। तो आप देख सकते हैं धनिया मसाला डोसा इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसका ऊपर जो आप देख सकते हैं जो पेस्ट लगा है, वो धनिया का पेस्ट लगा है, उसके साथ आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगा और मसाला मिल जाएगा, साथ में प्याज और ऊपर से कुछ हरी भरी धनिया के पत्ते। तो चलिए इसके साथ हमको मिला है सांभर चटनी और वाइट चटनी। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से। तो ये हम देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और कुरकुरा है अभी भी। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा चटनी, थोड़ा सा सांभर और जो धनिया का फ्लेवर है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। सिंपल मसाला डोसा तो खाए होंगे, लेकिन ये डोसा कुछ डिफरेंट है, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए और एक बाइट लेते हैं अभी। इनका सांभर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो चलिए सबको ख़त्म करते हैं, फिर अभी ट्राई करेंगे लास्ट में ये ओरियो शेक। सो गाइस, खाना हमारा अभी हो चुका है कंप्लीट और अभी हम ट्राई करेंगे हमारा ये ओरियो शेक। ऊपर से देख सकते हैं कुछ चॉकलेट्स है, ऊपर से क्रीम है और ये ओरियो है और अंदर आप देख सकते हैं ग्लास का साइज। तो चलिए अभी इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। बहुत टेस्टी। तो ओरियो शेक बहुत प्यारा हुआ, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, तो इसको भी आप ट्राई कर जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस इसको ख़त्म करते हैं, बिल मंगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बिल कितना हुआ। तो ख़त्म करते हैं अभी इसको। तो गाइस ये रहा मेरा बिल, मैंने 4 आइटम मंगाया था और टोटल हुआ 395 रुपीज़ की मैं बात कर रहा था। ये बहुत अच्छा एक पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है, आप इसमें आके ट्राई कर सकते हैं। और इसमें एक आइटम मैंने ऐड करना भूल गया, वो है वेज बर्गर, शायद 44 रुपीज़ उसका प्राइस है। चलिए मैं सबका प्राइस आपको बता दूँ। कश्मीरी समोसा का प्राइस था 25 रुपीज़, दही समोसा 70 रुपीज़, ओरियो शेक 140 रुपीज़ और जो हमारा स्पेशल था धनिया डोसा वो था 160 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो गया 395 रुपीज़ भी आ गया। तो चलिए अभी बिल पे करते, बाकी का जो आइटम था कुछ मैंने पार्सल करवा लिया। तो चलिए बाहर चलते हैं अभी। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप पहले से पिपलानी का खाना ट्राई कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप खाना का टेस्ट कैसा लगता है। और आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए,
इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डायरेक्ट जाके फॉलो करें। और यहाँ पर अगर आना है उनका भी लिंक मैंने दे दिया है, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।